सो गाइज अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रुके हैं, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है बहुत अच्छा। सो गाइज फाइनली पहुँच चुके हैं जय भैया के यहाँ पे बर्गर जो है, जिनको मैंने बताया था रॉयल पे। हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों हर बार की तरह फिर से है मेरे साथ पास ये मेरा यूनिक इंट्रो है, ठीक है हर वीडियो में। तो गाइज आज जो है इस वीडियो पे मैं जा रहा हूँ, फ्रेंड्स आप लोगों को मैंने एक पोल डाला था यूट्यूब पे कि कौन सा पपी लेना है मेरे लिए बेटर रहेगा। तो उसमें मैंने दो ऑप्शन दिया था, लेब्राडोर या फिर जर्मन शेपर्ड। तो आप लोगों ने लैब पे जो है 85% वोट्स आए थे। तो मैंने एक महीने पहले ही लैब जो है मैंने बुक कर लिया था, मेरे घर है धनबाद में, और मैंने लैब पपी जो है बुक किया था रांची में। रांची में एक ब्रीडर है जिनका नाम है रॉयल पेट्स, तो उन ब्रीडर के पास जो है से मैं लूँगा लैब। तो एक महीने पहले ही बच्चा हो चुका था, तो अभी वो 32 या 33 डेज का हो चुका है। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं घर से, फिलहाल अभी है धनबाद में, मेरे साथ जा रहे हैं किसान अंकल भी है एज ए ड्राइवर, और मेरे साथ एक मेरे छोटे अंकल भी जा रहे हैं, तो वो अभी आ रहे हैं उस साइड में। तो हम लोग फोर व्हीलर से निकल गए हैं चारों। तो यहाँ से धनबाद से रांची है 4 घंटा, लगभग 3.5-4 घंटा लगेगा, 150 किलोमीटर है, ठीक है। तो जा रहे हैं फोर व्हीलर से ही जा करके अपने पप्पी को लेना है और आना है घर। तो आज की इस ब्लॉग को देखते रहिए, दिखाएंगे कैसा है पप्पी, कैसा क्वालिटी है, क्या है वो ब्रीडर का घर कहाँ है, उनके पास क्या कौन कौन सा डॉग है, सारा कुछ आप लोग को देखने को मिलेगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा आज का ब्लॉग इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट देखना, जहाँ पर नहीं सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए आज की इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो देखिए वो अंकल जी आ रहे हैं एकदम आराम से, कोई टेंशन नहीं है। 10 बज गया ना बस, एकदम लेट हो गया, एक घंटा लेट हो गया हम। गजब का क्वालिटी आ रहा है यहाँ। सो गाइज अभी फाइनली हम लोग निकल रहे हैं, वो रहा मेरा कार, रोड क्रॉस करना है, धनबाद में है अभी हम लोग, उसके बाद हम लोग निकलेंगे रांची के लिए 4 घंटा। फर्स्ट टाइम बासु, फर्स्ट टाइम मेरा कार इतना लॉन्ग रूट में जाएगा। हाँ ये रहा मनोज दे यूट्यूब लोगों, चलिए हम लोग बैठते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बोकारो न बासु, ऐसा फील हो रहा है। 1.5 घंटा बोकारो पहुंचने में लग गया है, अभी हम लोग थक चुके हैं, और यहां से आप बोकारो से मिलेगा फिर रामगढ़ 60 किलोमीटर के बाद, उसके बाद फिर मिलेगा रांची, मतलब अभी और लगेगा 2-2.5 घंटा और लगेगा। तो अभी हम लोग बोकारो से निकल चुके हैं रामगढ़ के लिए, हाईवे पकड़े हुए हैं, चल रहे हैं ना बस सफर का मजा ले रहे हैं। अभी रांची और 50 किलोमीटर है, उससे पहले देखिए एक ऐसा रोड मिलता है रास्ते में, कितना मस्त, देखिए एकदम नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ से पहाड़ चढ़ रहे हैं हम लोग ऊपर, ओ माय गॉड बासु कैसा फील हो रहा है, देख रहा है गजब का चढ़ाई है, पहाड़ में चढ़ रहे हैं पहाड़ में। अब परास का देखिए फूल सब लाल लाल एकदम मस्त लग रहा है देखने में, क्या नजारा, पूरा एकदम कटिंग है, सांप वाला रास्ता है, ऊपर ऊपर ऊपर, ये रहा पहाड़ पर्वत, देख रहा है एकदम इधर और उधर, इधर और उधर, आगे में कुछ देर आगे में है हुंडरू फॉल, बहुत मस्त जगह है वो। यहाँ से देखो दशरथ मांझी पहाड़ काटा, वहीं पहाड़ पे बस दशरथ मांझी यहाँ से पहाड़ को काटा था दोस्तों, वहीं पहाड़ है गाड़ी खींची नहीं रहा देखो गाड़ी जाम हो गया, अंधा मोड़ जगह का नाम है, गति सीमा 10 किलोमीटर रखना है, क्या कि नीचे अगर टाउन में गया तो आप सीधे चले जाओगे, कहाँ चले जाओगे, 2 किलोमीटर नीचे, 2 किलोमीटर नीचे, गजब का रास्ता है दोस्तों। देखिए अभी तक ऊपर ही जा रहे हैं, ऊपर ही जा रहे हैं, मजा आ रहा है। सो गाइज अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रुके हैं, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है बहुत अच्छा, और हम लोग यहाँ आए हैं, देखिए चारों तरफ सिर्फ पहाड़ी पहाड़ है, और एकदम चोटी के ऊपर में है, नज़ारा जो है एकदम एक नंबर है, क्या बस एक नंबर, बहुत मज़ा आ रहा है एकदम, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। तो यहाँ पे कुछ हम लोग खाएंगे पहले, बहुत ज़ोर से भूख लगी है, सुबह निकले हैं हम लोग 10 बजे, अभी टाइम हो गया है 12:30 बजने वाला,
तो चलिए अभी अंदर चलते हैं, कुछ खाते हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे रांची के लिए। चलिए चलते हैं अंदर, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है यहाँ पे एक। वाओ मस्त लुक है, क्या क्या आइटम्स है, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स। वासु क्या खाएगा? हल्का फुल्का खाया जाएगा। ये है मेरे अंकल। तो दोस्तों अभी हम लोग मंगवाए हैं डोसा, वासु है खाने के लिए रेडी, खाएगा ही। अभी और दो प्लेट आने वाला है। क्या क्वालिटी आ रहा वीडियो का, देख रहे हो? DSLR फेल। देखिए दोस्तों ये है वीडियो क्वालिटी वन प्लस का। ये आईफोन भी फेल है इसके सामने, आईफोन भी इसके सामने फेल है। तो गाइस डोसा खाने के बाद अब आ गया है हमारे बीच कॉफी, कॉफी आफ्टर डोसा, कॉफी विद बासु। तो चलिए कॉफी का मजा लेते हैं। एक नंबर। अच्छा है एकदम, है ना? फूड ब्लॉग करने शुरू कर दिए हम लोग। तो दोस्तों ये रहा हमारा कॉफी, तो चलिए टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। एक नंबर है, मजा आ रहा, कड़क कॉफी। सो गाइस अभी हम लोग रांची घुस चुके हैं, हमें जाना है करम टोली चौक, और यहाँ से 13 किलोमीटर है ना बस। अभी और 13 किलोमीटर अभी देख सकते हो जाना है हमें, तो चलिए चलते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं। एक लड़की घुस गया था एक्सीडेंट होने के लिए, जबरदस्ती एक गाड़ी वाला को ब्रेक मार दिया था। हाँ हम लोग आए थे धोनी के घर का ब्लॉग बनाने के लिए, देखा। सो गाइज फाइनली पहुंच चुके हैं जय भैया के यहाँ पे, ब्रीडर जो हैं जिनकी मैंने बताया था रॉयल पेट्स। तो बहुत लेट हुआ आने में, ये है उनका अपार्टमेंट, ठीक है यहीं पे वो रहते हैं, और बाकी उनको मैंने देख लिया है आगे में है, चलिए मिलाते हैं। बढ़िया, ऊपर में उतना सारा जर्मन सफर किसका है? ये रहे भैया, और भैया इधर थोड़ा बताइए। बहुत लेट हो गया आने में ना। और ये रहा सबकी, ये रहा आपका मेल पप, पकड़िए। तो गाइस ये देख सकते हैं अभी ये दोनों पप है जो कि दोनों मेल, अब मुझे डिसाइड करना है इनमें से किसको लेके जाना है, ठीक है। अभी देखते हैं, थोड़ा अभी जस्ट आए हैं। एक थोड़ा गोल्डन टाइप का, एक थोड़ा व्हाइट टाइप का, नहीं ये गोल्डन, ये आपका जो है ये गोल्डन कलर में है, और ये व्हाइट कलर, व्हाइट थोड़ा ज्यादा हेल्दी लग रहा है। दोनों ही पंच फेस के पप है। और इनके कहां मम्मी पापा तो परसों ही चले गए ना, पापा इधर ही हैं, बुशे मोड में आप देख सकते हो। बाइक चलाना आता होगा, टाटा चली गई है मेरे घर से। अभी यहाँ पे इसकी दो बहनें भी हैं ऊपर। जर्मन वो मेरे पर्सनल डॉग्स हैं। इधर खाने देखिए गाइस, ऊपर देखिए कितने डॉग्स हैं। नहीं आ रहा है, थोड़ा उधर साइड से लेना पड़ेगा, सब ऊपर से देख रहा है, भयानक है लेकिन बीच वाला गजब है। थोड़ा दिखाइएगा ये सब, साइड वन इज ड्यू, ये है ड्यू, मिडिल वन इज टाइगर, टाइगर, और ये जो है ये जूली। कौन आ गया? जूली, जूली। ये एकदम गजब का दिख रहा है। हाँ ये ना, तो इसी का आपने फोटो छोड़ा है। ये जो है ये आपका इस बार का जो ले लिया था आपका, ये आपकी जो फ्रेंड है मेघा, वो टाइगर की ना डॉटर है, राजस्थान का लिया है ना, और ड्यूक जो है ये टाइगर का था, इसीलिए मेघा वाला भी सेम वैसे ही दिखता है ये अभी मिडिल में। टाइगर देखो किसम का, कौन सा भालू देखिए कि कौन सा आपको लेने का, ये वाला जो है ना इसका मजल ज़्यादा बेटर है, ये बाप पे गया और ये माँ पे गई। बाकी बाद अपना पेरेंटल ब्लड लाइन तो लेता ही है दोनों। अच्छा ये गया है अपना फादर का जैसा, कैसे पता चलता है? फादर को नहीं देखना,
लिया उसका फादर है। फिलहाल एक शॉप में जाना है, इसके लिए खाना लेना है, फूड लेना है, रॉयल कैनिन ना वही बताया और कुछ सप्लीमेंट्स, तो चलिए चलते हैं अब शॉप में। सो गाइज हम लोग फाइनली निकल चुके हैं घर के लिए, ये रहा मैक्स मेरे पास मेरे साथ, ये रहा भाई मैक्स। तो इसके लिए खाना भी हम लोगों ने ले लिया, ये रहा रॉयल कैनन का स्टार्टर। तो अभी चल रहे हैं हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं, चलिए उसके बाद घर में जाके इसको दिखाएंगे। अभी गोलू वेट कर रहा है घर में इसका। सो हे गाइज फाइनली मैं घर आ चुका हूँ, लेकिन बहुत टाइम लगा आने जाने में, 5-5, 10 घंटा आने जाने में लग गया। मैं सुबह 10 बजे निकला था, रात के अभी 10 बज रहा है और मैं घर फाइनली आ चुका हूँ। तो अभी मैक्स को देख सकते हो, मैंने बेड पर रखा हुआ है, वो रहा। ठीक है चलिए मैं दिखाता हूँ मैक्स को क्या कर रहा है अभी। सो गाइज अभी ये है मेरा बेडरूम, ये मैं अभी सोने वाला हूँ, रात 10 बज रहा है। तो अभी देखिए ये फिलहाल आके ही सो गया है, इसको मैंने जो है खाना खिला दिया है। तो अभी आप देख सकते हो ये एकदम आराम से मेरे बेड पे सो रहा है, इसको मैं ढक करके अपने साथ ही सुलाऊंगा। बाकी इसका जो है सारा एक्टिविटी मैं कल आप लोग को दिखाऊंगा, क्योंकि आज तो ये ट्रैवलिंग करके जो है पूरा जर्नी करके थक चुका है। देखिए अभी आके ही सो गया खाना खा के। तो चलिए इसको जब सुबह मैं उठूंगा तब इसका सारा एक्टिविटी दिखाऊंगा और आप लोग बताना इसका क्वालिटी कैसा है। प्लस इसका नाम मैंने डिसाइड कर लिया है, इसका नाम मैंने रख दिया है मैक्स। तो आप लोग कमेंट करके बताना गाइज कि इसका नाम कैसा रखा है मैंने, मैक्स नाम रखा है इसका। तो चलिए इसके साथ मैं अभी फिलहाल सोता हूँ, बाकी मैं सुबह आपका सारा एक्टिविटी इनका दिखाऊंगा, प्लस ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, देखते रहिए। तो मैक्स अभी खेल रहा है गोलू के साथ। गोलू सुबह हो गया है, गोलू ने इसको खाना खिला दिया है। इधर आओ मैक्स, मैक्स बुला बुला इसको बुला। मैक्स 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 मैक्स। गोलू गोलू पकड़ा गाइज फाइनली जो है मैक्स मेरे घर पे आ चुका है, ये है नेक्स्ट डे। ठीक है तो ये रहा मेरे सामने बेड पे सोया हुआ है। तो गाइज आप लोग बताना इसकी क्वालिटी कैसी है, एंड इसका नाम मैंने रखा है मैक्स, तो आप लोग बताना नाम भी कैसा है। वही चबा क्यों रहे हो, ये देखिए क्यूट सा पप्पी, बहुत हेल्दी है ये देखिए। इसको अगर मैं दिखाऊँ तो देखिए कितना ज़्यादा हेल्दी है ये, छोटा सा टेल एंड देखिए फेस इसका पूरा पंच है एकदम। सो गाइज आप लोग कमेंट पर बताना कैसा क्वालिटी है प्लस नाम कैसा है। तो चलिए आज की इस ब्लॉग को, उम्मीद करूँगा गाइज आपको पसंद आएगा, अगर ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक करना और मैक्स को देखते हुए एक लाइक जरूर कर देना क्या मैक्स, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नहीं तो या सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक लीजिए जय हिंद वंदे मातरम।